आज 28 अगस्त को करनाल में जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सुबह करीब 12 बजे वहाँ कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और ज़बरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों ने समझाया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहाँ से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। इस विषय में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा। 7 जून 2021 को टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स के साथ हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था कि आगे से हम कभी भी उग्र रूप नहीं धारण करेंगे अपने प्रदर्शन का और शांतिप्रिय ढंग से हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने वायलेंट मीन्स का सहारा लिया है और जब भी एक कोई भी प्रदर्शन वायलेंस पर उतर आता है तो पुलिस की एक ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए।